पीएम मोदी से मिलेंगे। थोड़ी देर में पीएम मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। करीब 12 मुद्दों पर होगी बात। पीएम से मुलाकात के पहले शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात। पीएम के साथ मीटिंग में साथ होंगे अजीत पवार और अशोक चव्हाण। मुलाकात के बाद दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र सदन में उद्धव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की आज शाह और नड्डा से मुलाकात। कल पीएम के साथ बैठक। कोरोना टीके पर अखिलेश यादव का यू टर्न। कहा, भारत सरकार के टीके का स्वागत। अखिलेश ने किया ट्वीट, हम भी लगवाएंगे भारत सरकार का टीका, पहले बीजेपी के टीके के खिलाफ थे। कुछ दिन पहले ही पिता मुलायम सिंह यादव ने भी वैक्सीन लगवाया। पीएम मोदी ने भी कल संबोधन में टीके पर सियासत के लगाए थे आरोप। पंजाब में अब नए कोरोना घोटाले का आरोप। विपक्ष ने कहा, कोविड फतेह किट में हुआ घोटाला, ज्यादा दाम पर दिए गए टेंडर, सरकार को लगी चपत। प्रियंका गांधी का कोरोना मौत पर आंकड़ा गलत बताने का आरोप। पूछा, सरकार के आंकड़ों और शमशान कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों। दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर शुरू हुआ टीकाकरण, दो हफ्ते बाद मिली राहत। 18 से 44 साल वालों को लग रही है कोवैक्सीन की दूसरी डोज। कोरोना के केसेस भी घटे। लॉकडाउन में जियारत करने ख्वाजा की दरगाह पहुंच गए केरल के 16 लोग। अजमेर में हिस्ट्री शीटर के गेस्ट हाउस में रुके थे। वाराणसी में खुल गया बाबा श्री काशी विश्वनाथ का कपाट। कोविड नियमों का पालन करके हो रहे हैं दर्शन। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में जेठ के दूसरे मंगलवार को उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे, डेढ़ महीने से बंद थे कपाट। देश में घटे कोरोना मरीज के आंकड़े। अप्रैल के बाद पहली बार केसेस 1 लाख से नीचे। एक दिन में 86,498 मरीज। मौत की तादाद घटी, एक दिन में 2,123 मौतें। एक्टिव केसेस की तादाद 13,03,000। एक दिन में 1,82,000 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। अब तक 2,73,00,000 लोग हो चुके हैं ठीक। टीकाकरण के काम में तेजी, 23,61,00,000 लोगों को लगा टीका। यूपी में थमे कोरोना के मामले। सारे जिले में कोरोना कर्फ्यू हटाया गया, सिर्फ 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना काल में विदिशा में कम मेहनताने पर आशा कार्यकर्ता खफा। सरकार को नींद से जगाने के लिए बजाई थालियां और शक। लॉकडाउन से बेहाल उत्तरकाशी के कारोबारियों का प्रदर्शन। थालियां बजाकर पूछा, शराब के ठेके खुले हैं तो दुकानें क्यों ना खुले। लॉकडाउन से बेरोजगारी से आहत बारामती के चाय वाले का अजीब विरोध। पीएम को भेजे 100 रुपए, लिखा रोजगार बढ़ाओ, दाढ़ी नहीं। राज्यों में अनलॉक होते ही मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ रिवर्स माइग्रेशन। काम पर लौट रहे हैं मजदूर। अमरावती में मुश्किल में प्रशासन। कोरोना संकट के बीच जूनियर डॉक्टर्स ने मांगों को लेकर दिया हड़ताल का नोटिस। देश में ही हो रहा है 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के वैक्सीन का ट्रायल। एम्स में डॉक्टर्स ने शुरू किया ट्रायल। दिल्ली में अनलॉक के पहले ही दिन बाजारों में दिखी भीड़। मेट्रो में करीब 4.5 लाख लोगों ने की यात्रा। ऑड इवन के हिसाब से दिल्ली में खुले बाजार और मॉल, घरों से निकले खरीदार। दिल्ली में अनलॉक शुरू होते ही वापस लौटने लगे मजदूर। बड़ी तादाद में श्रमिकों की वापसी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अपराध में इजाफा। रेप, डकैती, लूट, अपहरण की वारदातें बढ़ी। करीब 1.5 महीने बाद अनलॉक हुई मुंबई। शुरू हुई बस सेवाएं, हर रोज शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पूरी तरह हटाई गई पाबंदियां। औरंगाबाद में बाजार में दिखी भीड़। बाजार में अब लौट रहे हैं लोग। पुणे में शुरू हुई बस सेवाएं, खुल गए जिम, सलून और बाजार। बाजार में दिखी रौनक।
राजस्थान में लॉकडाउन से छूट, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकान। पंजाब में 15 जून तक बढ़ी पाबंदियां, लेकिन कल से धीरे धीरे मिलेगी छूट। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद में पाबंदियों में ढील, बाजार में दिखी भीड़ भाड़। नोएडा में 24 घंटे मिले 34 नए मरीज, 216 ठीक होकर घर गए। अनलॉक होते ही बनारस में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, मास्क समेत सोशल डिस्टेंसिंग भूले पुलिस के जवान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकार ने कारोबारियों को दी राहत, विरोध के बाद दुकानों को खोलने की इजाजत। उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों की अनूठी पहल, बेजुबान जानवरों के लिए हर रोज बनाते हैं सैकड़ों रोटियां। पंजाब में वैक्सीन को लेकर जारी है सियासत, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर सुखबीर बादल का धरना। अकाली दल के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा, पुलिस के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। प्रयागराज में पिंक बूथ टीकाकरण की शुरुआत, महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन के खास इंतजाम। बिहार में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार, पटना के 2 सेंटर्स पर 2400 घंटे होगा टीकाकरण। 28 राज्यों में ब्लैक फंगस के 28,252 मरीज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किए आंकड़े। मुंबई में आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान, ट्रेन पकड़ते समय फिसलने से गिर गया था मुसाफिर। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में आग, आसमान में छाया धुएं का बादल। हिसार में हिस्ट्री शीटर शिखंडी का कत्ल, 2 मिनट में मारे 30 चाकू। अलवर में रिमांड पर चल रहा आरोपी बिल्डर थाने में आराम फरमाता मिला, वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर थानेदार सस्पेंड। बुलंदशहर में फेसबुक पर मिले जोड़े ने थाने में जाकर रचाई शादी, काजी ने बेंच पर बैठाकर कराया निकाह। पुणे के करीब केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, अब तक 18 की गई जान। हादसा पिरंगढ़ इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में हुआ, हादसे के वक्त थे 37 मजदूर फैक्ट्री के भीतर। केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली, नहीं निकल पाए कई मजदूर। आग की वजह साफ नहीं, पीएम ने जताया शोक। केंद्र ने किया मदद का ऐलान, पीड़ित परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। मुंबई में आज सुबह कई इलाकों में बारिश से दिक्कत, पानी भर जाने से रास्ते में हो रही है परेशानी। सायन में हालात खराब, सड़क पर जल भराव से आवाजाही रुकी। बाराबंकी में बारिश और तूफानी हवाएं, दीवार गिरने से 1 की मौत। हुगली में बारिश और बिजली का कहर, अब तक 11 की मौत, कई जगहों पर दीवार गिरी। बंगाल के दूसरे इलाकों में बारिश का कहर, बैरकपुर से लेकर नादिया हर जगह तबाही। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन से ठप हुआ गंगोत्री हाईवे, लोगों की बड़ी मुश्किलें। असम के लखीमपुर में शुरू हुआ बाढ़ का कहर, 3,000 से ज्यादा लोगों पर असर। 22 गांव में घुसा पानी, सैकड़ों लोग हुए बेघर, कच्चा पुल भी टूटा। असम में सिंधारा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी, निचले इलाकों को खतरा। अमृतसर में कांग्रेस के विधायक के घर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, नौकरी में भाई भतीजावाद के खिलाफ नाराजगी। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। तेल की कीमतों को लेकर दिल्ली में भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 6ठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द, 8 हफ्ते में नई फहरिस्त निकालने का आदेश। पप्पू यादव की रिहाई के लिए कार्यकर्ताओं का जल सत्याग्रह, अंतिम सांस तक लड़ाई का ऐलान। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कोविड वार्ड की नर्स का वीडियो वायरल, गाने और डांस के साथ मरीजों की हौसला अफजाई। पीपी किट पहने डांस करती दिखाई दी नर्स, मरीजों के चेहरे पर दिखी रौनक। सिलचर में डॉक्टर्स और नर्सेज ने बढ़ाया मरीजों का हौसला, वार्ड में किया डांस। इन्फेक्शन का जोखिम उठाकर डॉक्टर्स ने पेश की मिसाल, हिंदी और बांग्ला गानों पर किया डांस। ओडिशा के बारीपाड़ा में नर्स के सेवा भाव की हो रही है चर्चा, हाथ से कोरोना मरीजों को खिलाती हैं खाना। अमिताभ की हम शक्ल बढ़ा रहा है कोरोना मरीजों का हौसला, हम शक्ल है पुणे में प्रोफेसर। बिग बी की आवाज हूबहू निकालकर प्रोफेसर 350 मरीजों के साथ करते हैं वीडियो कॉलिंग। जेवन डाल
वाह वाह वेरी गुड. तुमची काळजी घ्या. तब्येत कशी आहे तुमची? चांगली आहे तब्येत? जेवण केलं का? जेवण झालं? वाह वाह वेरी गुड. तुमची काळजी घ्या. जूनागढ़ में शाहरुख खान का आम शक्ल, पेंटिंग छोड़कर अब बादशाह की मिमिक्री में जुटा, हो रही अच्छी कमाई. असलाम है इब्राहिम कादरी, शाहरुख के आम शक्ल के हैं 50,000 फैंस, अब शाहरुख से मिलने की है इच्छा. अठारह साल से ऊपर वालों को 21 जून से फ्री में लगेगी वैक्सीन, देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी का ऐलान. अब राज्य सरकारों को नहीं खरीदना होगा टीका, कीमत को लेकर किच-किच खत्म. कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. निजी अस्पतालों में पैसे देकर जारी रहेगी वैक्सीन की सुविधा, ₹150 होगा सर्विस चार्ज. वैक्सीन के उत्पादन का 75% हिस्सा खरीदेगी केंद्र सरकार, 25% खरीद सकते हैं प्राइवेट अस्पताल. टीके पर अफवाह को लेकर प्रधानमंत्री ने किया आगाह, बोले भोले भाले लोगों के जीवन से खिलवाड़. कोरोना संकट को देखते हुए नवंबर तक गरीबों को मुफ्त में राशन का भी पीएम ने किया ऐलान. पीएम ने कहा जल्द बच्चों को भी लगेगा टीका, नाक में डाली जाएगी वैक्सीन की बूंद. देश में अब तक 23,59,00 लोगों को लगा कोरोना का टीका, 24 घंटे में दी गई करीब 31,00,000 डोज. वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कोविन ऐप के इस्तेमाल पर जोर.